अभी तक हमने आपको बताया था कि चेंज केस क्या होती है। देर आर फाइव टाइप्स ऑफ चेंज केसेस इन एमएस वर्ड। कौन कौन से होते हैं? सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस। इसके अलावा आपको बताया था हमने कि लाइन स्पेसिंग क्या होती है। लाइन स्पेसिंग, जो भी हम पैराग्राफ या लेटर कंप्यूटर या टेक्स्ट कंप्यूटर में टाइप करते हैं, उन लाइंस के बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। आज हम आपको बताएंगे पेज ओरिएंटेशन क्या होती है। पेज ओरिएंटेशन इज ए वे इन विच डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड और प्रिंटेड। पेज ओरिएंटेशन हम उसको बोलते हैं जो भी हम लिखते हैं, टाइप करते हैं कंप्यूटर में, वो हमें जैसा दिखाई देता है, ठीक है, या प्रिंट करने पे हमें जैसा दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं पेज ओरिएंटेशन। देर आर टू टाइप्स ऑफ पेज ओरिएंटेशन इन एमएस वर्ड, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। दो तरह के पेज ओरिएंटेशन होते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। जो आप इन पोर्ट्रेट द हाइट ऑफ द पेज इज लॉन्गर देन द विड्थ, इन लैंडस्केप द विड्थ ऑफ द पेज इज लॉन्गर देन द हाइट। जो भी हम टेक्स्ट कंप्यूटर में टाइप करते हैं, ठीक है, उसमें जो भी हमें पेपर के ऊपर दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन दो तरह की होती है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में क्या होता है, विड्थ कम होती है, लेंथ ज़्यादा होती है। लैंडस्केप में क्या होता है, विड्थ कम, लेंथ कम होती है, विड्थ ज़्यादा होती है। अब देखो हम पेज ओरिएंटेशन को कंप्यूटर में कैसे, वो बिफोर प्रिंटिंग, जब हम प्रिंटिंग लेने से पहले जो भी हम उसको कंप्यूटर में जिस तरह से हमें पेज चाहिए उस तरह से हम उसको सेट करते हैं, ठीक है, उसको सेट करते वक्त हम क्या बोलते हैं, पेज ओरिएंटेशन। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, क्लिक ऑन पेज लेआउट। पेज लेआउट पर क्लिक कीजिए, क्लिक ओरिएंटेशन फ्रॉम द पेज सेटअप ग्रुप। पेज सेटअप ग्रुप पर जाके आप ओरिएंटेशन पर क्लिक कीजिए, चूज़ ए टाइप ऑफ ओरिएंटेशन, उसमें से कोई भी एक टाइप को आप चूज़ कर लेना। देखो सबसे पहले हम जाएंगे पेज लेआउट टैब पे, उसमें जाके हम क्लिक करेंगे ओरिएंटेशन। दो तरह के ओरिएंटेशन आ जाएंगे, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। जो भी हमने टेक्स्ट टाइप किया है प्रिंटिंग के बाद हमारा पोर्ट्रेट दिखना चाहिए या लैंडस्केप दिखना चाहिए, वो हम इससे सेट कर सकते हैं। अभी देखो आपको ये बुक बताए थे, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ, माई नेम इज रिंकी। आपको इसको देखकर इसका नाम लिखना है, ये कौन से केस में टाइप किया हुआ है, अपर केस है तो अपर केस, लोअर केस है तो लोअर केस, टॉगल केस है तो टॉगल केस। इसके बाद है आपका हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर अपीयर्स ऑन द टॉप एंड बॉटम मार्जिन ऑफ ईच पेज इन ए डॉक्यूमेंट। हेडर एंड फुटर क्या होता है, हमारा जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर आता है या नीचे आता है, ठीक है। दे कैन बी पेज नंबर, डेट, एक कंपनी लोगो, डॉक्यूमेंट टाइटल और फाइल नेम। वो आपका पेज नंबर भी हो सकता है, डेट भी हो सकता है, कोई लोगो भी हो सकता है, और डॉक्यूमेंट का जो नाम रखा है वो भी हो सकता है, या कोई फाइल नेम हो सकता है। हेडर एंड फुटर डालने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जनरली हम हेडर एंड फुटर में उस फाइल का नाम डाल देते हैं। उस फाइल का नाम डालने से क्या होता है, उस फाइल का पूरा पाथ आ जाता है। कई बार क्या होता है कि हम डॉक्यूमेंट को सेव करके भूल जाते हैं, जो हेडर एंड फुटर डालने से क्या होता है, जो फाइल का नाम नीचे आता है उस फाइल के नाम से हम उस फाइल को अपने कंप्यूटर में सर्च कर सकते हैं, ठीक है। हेडर एंड फुटर में क्या होता है, हम पेज नंबर भी डाल सकते हैं। जैसे आपकी बुक पे आप ध्यान से देखो तो नीचे पेज नंबर लिखा होता है, ठीक है, ऐसे ही हम जो भी डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में टाइप करते हैं या लिखते हैं उसमें हम पेज नंबर भी डाल सकते हैं, डेट भी डाल सकते हैं, हमने उसको किस डेट को टाइप किया था। तो इंसर्ट हेडर, हेडर को डालने के लिए क्लिक द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब को क्लिक करना है, क्लिक द हेडर फ्रॉम द हेडर एंड फुटर ग्रुप ए गैलरी अपीयर, चूज द स्टाइल ऑफ योर चॉइस, नाउ टाइप द टेक्स्ट यू वांट टू बी एज हेडर, क्लिक क्लोज हेडर एंड फुटर। सबसे पहले मैं इंसर्ट टैब पे जाना है,
उसके वहाँ से हमें हेडर को पिक करना है, हेडर एंड फुटर वहाँ पे दोनों ग्रुप आ जाएंगे, उसमें से हेडर को पिक करना है। उसके बाद वहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी कि हमने किस चीज़ को हेडर या फुटर में डालना है, वो पे वहाँ पे हम वो टाइप करेंगे या उसमें से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हेडर एंड फुटर को हम क्लोज कर देंगे तो हमारा उसमें क्या है हेडर आ जाएगा। ऐसे ही फुटर के अंदर है, इंसर्ट टैब पे हमें क्लिक करना है, वहाँ से हेडर एंड फुटर में से हमें फुटर को पिक करना है, उसमें से एक स्टाइल सिलेक्ट करना है, जैसे हमने हेडर के लिए स्टाइल सिलेक्ट किया है। उसके बाद वो टेक्स्ट टाइप करना है, जो अगर हमको टेक्स्ट हमें कोई टेक्स्ट टाइप करना चाहते हैं तो हम उसके बाद हमें उसको क्लोज कर देना है हेडर एंड फुटर को। क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, क्लिक फुटर फ्रॉम द हेडर एंड फुटर ग्रुप, ए गैलरी अपीयर्स, चूज द स्टाइल ऑफ योर चॉइस, नाउ राइट द टेक्स्ट एज द फुटर यू वांट, क्लिक क्लोज हेडर एंड फुटर। इसके बाद है अपना देखो हेडर एंड फुटर कैसे दिखाई देगा, हमारे को इस तरह से दिखाई देगा। फुटर होगा तो हमें ऐसे नीचे दिखाई देगा, हेडर होगा तो हमें ऐसे ऊपर दिखाई देगा। हेडर ऊपर दिखाई देता है, फुटर नीचे दिखाई देता है। जैसे हमारा हेड ऊपर होता है और फुट जो हमारे नीचे होते हैं, ऐसे ही पेज के हेड पे हमें क्या दिखाई देगा हेडर, और पेज के बॉटम में क्या दिखाई देगा हमारे को फुटर। इसके बाद है अपना पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर मीन्स बॉर्डर अराउंड द एज ऑफ द पेज। जो हम टाइप करते हैं टेक्स्ट उसके चारों तरफ हमें बॉर्डर लेके आना है तो वो भी हम ला सकते हैं। क्लिक द पेज लेआउट टैब, पेज लेआउट टैब पे जाना है। क्लिक द पेज बॉर्डर फ्रॉम द पेज बैकग्राउंड ग्रुप, पेज बैकग्राउंड ग्रुप में से हमें पेज बॉर्डर को क्लिक करना है। द बॉर्डरिंग एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर, द पेज बॉर्डर टैब शुड बी सिलेक्टेड इन द डायलॉग बॉक्स, चूज द स्टाइल कलर एंड विड्थ फॉर द बॉर्डर, क्लिक द ओके बटन। ठीक है, जैसे हम सिलेक्ट करेंगे आपका बॉर्डर एंड शेडिंग बटन, इस तरह के हमारे पर अलग अलग स्टाइल आ जाएंगे। इसमें से जो भी हम स्टाइल चेक क्लिक करेंगे वो हमारा पेज के बाहर आ जाएगा। देखो पेज के बाहर रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है ना आपको, इसको हम बोलते हैं पेज बॉर्डर। इसके बाद है हमारा पेज कलर। पेज कलर गिव्स ए कलर टू द एंटायर पेज, क्लिक पेज लेआउट टैब, क्लिक पेज कलर इन द पेज बैकग्राउंड ग्रुप, चूज एनी कलर फ्रॉम द पैलेट। जो हम डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं, हम चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में कोई ना कोई कलर आ जाए, वो कलर भी हम ला सकते हैं। उसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पेज लेआउट पर जाना है, वहाँ से पेज कलर इन पेज बैकग्राउंड ग्रुप, उस वहाँ से हम पेज बैकग्राउंड ग्रुप से हमें पेज कलर को सिलेक्ट करना है। चूज एनी कलर फ्रॉम द पैलेट, कोई भी जो भी हम कलर इसमें से हम चूज करेंगे वो कलर हमारा इसके बैकग्राउंड में आ जाएगा। देखो हमने इस लेसन में अभी तक क्या क्या पढ़ा है, अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर्स एंड लोअर केस मीन्स स्मॉल लेटर्स। अपर केस का मतलब होता है कैपिटल लेटर में लिखना, लोअर केस का मतलब होता है हमारे को छोटे लेटर्स में लिखना। वर्टिकल स्पेस बिटवीन द लाइन्स ऑफ ए पैराग्राफ इज कॉल्ड लाइन स्पेस। जो वर्टिकल स्पेस जो लाइन्स के बीच में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन स्पेसिंग। पेज ओरिएंटेशन इज ए वे इन विच ए डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड और प्रिंटेड। पेज ओरिएंटेशन उसको बोलते हैं कि जो डॉक्यूमेंट हमें टाइप करने के बाद दिखाई दे, जैसा दिखाई दे, या हम उसका जैसा प्रिंट आउट लेना चाहें उसको हम क्या बोलते हैं, पेज ओरिएंटेशन। पेज बॉर्डर मीन्स बॉर्डर अराउंड द एज ऑफ द पेज। पेज बॉर्डर का मतलब होता है कि उसके एज के चारों तरफ हमें किस तरह का बॉर्डर चाहिए। हेडर एंड फुटर अपीयर्स इन टॉप एंड बॉटम मार्जिन ऑफ ईच पेज इन ए डॉक्यूमेंट। हेडर एंड फुटर कहाँ आते हैं, हेडर ऊपर आता है और फुटर नीचे आता है। इसके बाद ये एक्सरसाइज है आपकी, ये फिल्सअप है, इसको एक एक करके रीड करना है और इसको फिल करना है। उसके बाद आपको नेम दिस कमांड, कुछ कमांड्स के यहाँ पे आपको आइकन दे रखी हैं, इस आइकन को पहचान के उस कमांड का आपको नाम लिखना है। उसके बाद लुक द पेज केयरफुली एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस पेज को ध्यान से देखना है। और इसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे, ये इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से फिल करना है। उसके बाद है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ को इसको एक एक बार रीड एक एक करके रीड करना है और जो करेक्ट हो उसको यहाँ टिक भी करना और लिखना भी है।
उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को पढ़ते पढ़ना है और इन सबके यहाँ पे फिर आंसर लिखने हैं, ठीक है। अभी तक जो मैंने आपको बताया है, अब मैं आपको उसको कंप्यूटर पे दिखाता हूँ। किसमें टाइप होता है हमारा? पोर्ट्रेट में। ओरिएंटेशन दो तरह के होते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। अब हम इसको लैंडस्केप में करेंगे। अब ध्यान से देखो, पहली जो लाइन लिखी है, ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट आवर बॉडी कैन मूव। पोर्ट्रेट के अंदर क्या होता है, ये हमारा विड्थ है, छोटा होता है, और ये लेंथ हमारी बड़ी होती है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए सबसे पहले पहले हम जाएंगे पेज लेआउट पे, वहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ओरिएंटेशन। जैसे हम ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आएगा, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। जैसे हम लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो देखो ये हमारा क्या हुआ, ये विड्थ हमारी बड़ी हो गई और लेंथ हमारी छोटी हो गई, ठीक है। ये कौन सा है, किसमें आ गया हमारा डॉक्यूमेंट, अब लैंडस्केप में। हम इसको दोबारा पोर्ट्रेट में भी कर सकते हैं। दोबारा पोर्ट्रेट में करने के लिए ओरिएंटेशन पे क्लिक कीजिए और पोर्ट्रेट पे क्लिक कर दीजिए। ये हमारा पोर्ट्रेट में दोबारा वापस आ गया। डॉक्यूमेंट को टाइप करने के बाद प्रिंट करने के लिए हम उसकी ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। अब हेडर एंड फुटर कैसे आता है, अब ध्यान से देखो, हेडर एंड फुटर के लिए हमें जाना पड़ेगा इंसर्ट टैब में। यहाँ से हमें, अगर हमें हेडर चाहिए तो हेडर को पिक करना पड़ेगा। ये लिस्ट आ जाएगी, जो भी हम हेडर में यहाँ पे लिखेंगे वो हमारा हेडर में आ जाएगा। यहाँ पे हम टाइप कर देंगे हमें टाइटल क्या चाहिए, इसको लिखने के बाद हम इसको क्या कर देंगे यहाँ से क्लोज। जितनी भी डॉक्यूमेंट हमारे इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर बने होंगे, चाहे वो 10 पेज हैं, चाहे वो 1 पेज है, चाहे वो 2 पेज है, सब पे हमारा ये हेडर एंड फुटर अप्लाई हो गया है। अगर अब हमें इसमें फुटर लाना हो तो फुटर के लिए दोबारा हमें इंसर्ट टैब पे जाना पड़ेगा, इसी तरह से जैसे हेडर के लिए हम गए थे, और यहाँ से हमें फुटर पे क्लिक करना है। तो फुटर में भी हम कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे कुछ भी लिख सकते हैं, वो हमारा फुटर के अंदर। लिखने के बाद इसको यहाँ पे आप क्लोज कर दीजिए, ये हमारा फुटर के अंदर आ जाएगा। हेडर एंड फुटर देखने अगर आप देखना चाहो कैसे देखते हैं, तो हम उसको प्रिंट प्रीव्यू में जाके देख सकते हैं। फाइल पे जाके प्रिंट, यहाँ से प्रिंट हुआ। देखो अब आपको इसमें हेडर एंड फुटर बिल्कुल क्लियरली लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपका हेडर है, ये आपका फुटर है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हमें इसका बॉर्डर लेके आना हो इसके आसपास, बॉर्डर कैसे लेके आते हैं, बॉर्डर लाने के लिए आप जाइए इंसर्ट पे, इंसर्ट पे जाके आपने यहाँ पे क्लिक करना है। सॉरी, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा पेज लेआउट पे। पेज लेआउट में जाके आपको यहाँ पे क्लिक करना है पेज बॉर्डर। जैसे हम पेज बॉर्डर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक लिस्ट आ जाएगी, इसमें से हम लेट से बॉक्स सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने क्या किया, माउस के एरो को हम बॉक्स पे लेके आएंगे, अभी ये बॉक्स सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब इसमें लाइन का स्टाइल कैसे चाहिए, किस तरह की लाइन चाहिए, वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर कोई कलर चाहिए तो हम कोई भी कलर, जैसे रेड से रेड कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद इसको हम क्या कर देते हैं, ओके। अब इसके चारों तरफ हमारा ये बॉर्डर आ गया। बॉर्डर को क्लियरली देखना हो तो दोबारा प्रिंट क्यू में जाके देख सकते हो आप, फाइल प्रिंट, सॉरी फाइल प्रिंट पे जाके प्रिंट प्रीव्यू। अब देखो ध्यान से, अब इसके अंदर आपको पोर्ट्रेट दिखाई, पोर्ट्रेट में लिखा हुआ दिख रहा है, ये आपका हेडर, ये आपका फुटर और ये आपका
जिस यहाँ पे रेड कलर की लाइन आ रही है, ये आपका क्या हो गया, पेज बॉर्डर। ठीक है, अब इसमें आप कलर करना चाहते हो, जो आपने टाइप किया है टेक्स्ट, अभी आपको जो इसका बैकग्राउंड है वो वाइट कलर का दिख रहा है, इस बैकग्राउंड में अगर आप कोई कलर लाना चाहते हो तो वो कलर भी हम इसके अंदर ला सकते हैं इसके बैकग्राउंड में। अभी जो आपका ये जो है डॉक्यूमेंट एरिया है, किस तरह का दिखाई दे रहा है आपको, ये वाइट कलर का, आप इसको चेंज कर सकते हो। इसको चेंज करने के लिए आप दोबारा पेज लेआउट में जाइए और यहाँ से सेलेक्ट कीजिए पेज कलर। जो भी कलर आप सेलेक्ट करोगे, जैसे आपने येलो कर दिया तो येलो हो जाएगा, ठीक है, अगर आपने इसको ब्लूइश कर दिया तो इसका बैकग्राउंड ब्लूइश हो जाएगा, ठीक है, अगर आपने इसको जो भी कलर आप सेलेक्ट करोगे ये कर दिया तो ये कलर इसके अंदर सेलेक्ट हो, ठीक है। अब बेटा अब तक जो मैंने आपको बताया है, बुक में से रीड कराया है, उसको ध्यान से पढ़ना है और इसकी बैक एक्सरसाइज को करना है और करके भेज देना, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको व्हाट्सएप पे डाल देना। ओके, थैंक यू।